चेहरे की रौनक रावण दहन के साथ आज दिया जाएगा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा दशहरा। गोरखपुर में विजयदशमी पर आज सीएम योगी करेंगे विशेष पूजा पाठ। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। विजयदशमी के मौके पर लोग लगा रहे डुबकी। पीएम मोदी ने अयोध्या की रामलीला कमेटी को पत्र लिखकर दी बधाई। कहा, रामलीला मंचन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आवास पर महानवमी की पूजा अर्चना की। धामी ने नौ कन्याओं को भोजन कराया। यूपी के अमरोहा में रहने वाले नसीम ने बनाए रावण के पुतले। मुरादाबाद और बरेली में भी बनाए नसीम के बनाए भेजे गए पुतले। यूपी के नोएडा में पिछली तीन पीढ़ियों से रावण के पुतले बनाने का काम करता है मुस्लिम परिवार। दूर दराज के इलाकों में भी है डिमांड। महानवमी पर यूपी के सोनभद्र एनटीपीसी में सिंगरौली आवासीय परिसर में माँ दुर्गा की उपासना की गई। कन्या पूजन और हवन यज्ञ के साथ आयोजन किया गया। पीएम मोदी आज सूरत में छात्रावास चरण एक की आधारशिला रखेंगे। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होगा। विजयदशमी के मौके पर आज पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे 17 नई रक्षा कंपनियां। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12:10 पर पीएम मोदी का वीडियो संबोधन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल। आतंकवाद के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री की हुंकार। पाकिस्तान को दो टूक। कहा, सरहद लांघने वालों को याद कर लेना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक। गृह मंत्री का आज दो दिवसीय अंडमान और निकोबार का दौरा। ऐतिहासिक सेल्यूलर जेल को भी जाएंगे अमित शाह। गृहमंत्री अंडमान और निकोबार में आजादी का अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। कई पर्यटक स्थलों का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख के त्रास जाएंगे। राष्ट्रपति कारगिल युद्ध के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। आज राष्ट्रपति सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा। लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन और पूजा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना का जेसीओ और दो जवान शहीद। सेना ने इलाके को बंदी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गोला बारूद की जखीरा बरामद। बीएसएफ और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड जब्त। कुपवाड़ा में बीएसपी और पुलिस ने चलाया अभियान। 790 कारतूस, 3 वायरलेस सेट, 1 कंपास, साइलेंसर और 8 डेटोनेटर को बरामद किया। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए आईएसआई की प्लानिंग। आतंकियों के साथ मिलकर बनाई 200 लोगों की हिट लिस्ट। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में बीजेपी आरएसएस के नेताओं के नाम, सुरक्षा बलों और पुलिस की मदद करने वालों ने भी नाम शामिल किए। दिल्ली से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी का खुलासा। भारतीय पासपोर्ट पर 2018 में गया था थाईलैंड और दुबई। आतंकी अशरफ ने दुबई में आईएसआई के अफसरों से की थी मुलाकात। दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जुड़ी थी जानकारियां साझा की। आतंकी अशरफ ने भारत में कई जगहों पर अहम फोटो वीडियो और नक्शे को आईएसआई में दिए। आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 6 घंटे तक पूछताछ की। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अलग अलग जगह पर सेना के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। राजस्थान में मिलिट्री जोन का चपरासी, अंबाला में सेना का एक जवान गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड सेलेब्स पर शिकंजा। ईडी ने आज जैकलिन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने गुरुवार को नोरा फतेही से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की वसूली केस में पूछताछ। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। आज नवजोत सिंह सिद्धू गांधी परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में एआईसीसी की बैठक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आदेश की बात करूंगा पालन। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी हरीश रावत ने कहा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने में पंजाब में गरमाई सियासत। अकाली दल ने चंडीगढ़ में राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। पंजाब में बीएसएफ का एरिया बढ़ाने पर कांग्रेस ने फिर जताया विरोध। सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार ने देश के संघीय ढांचे पर हमला किया। एम्स में मनमोहन सिंह से मिले डॉक्टर राहुल गांधी। डॉक्टर से स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। कहा, जल्द स्वस्थ होंगे मनमोहन सिंह। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। स्मृति ईरानी जिले के प्राचीन मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। अमेठी में स्मृति ईरानी रामलीला मंचन में करेंगी शिरकत। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगी मुलाकात।
आज से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी किसान चौपाल, 56,000 ग्राम पंचायतों में किसानों की चौपाल। चौपाल में मोदी और योगी सरकार की योजनाओं की दी जाएगी जानकारी, 30 अक्टूबर तक चलेगा बीजेपी का किसान चौपाल। शिवपाल ने अखिलेश के सामने जाहिर की गठबंधन की इच्छा, कहा मेरी फौज का होना चाहिए सम्मान, नेताजी मैं और अखिलेश काफी। यूपी के इटावा में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा राजनीति में उम्मीद नहीं होती खत्म, एक ही विचारधारा के लोग साथ आए तो हारेगी बीजेपी। यूपी के कानपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसान नौजवान और यूपी की जनता है बीजेपी सरकार से त्रस्त। यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे ओवैसी, 17 अक्टूबर को गाजियाबाद और 23 अक्टूबर को मेरठ में करेंगे रैली। मुजफ्फरनगर में 27 अक्टूबर को होगी ओवैसी की जनसभा, सहारनपुर में 31 अक्टूबर को भरेंगे हुंकार। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता से मिले राजनाथ सिंह, यूपी के कुशीनगर के रहने वाले हैं 106 साल के भुलई भाई। मायावती ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर बोला हमला, ट्वीट करके लिखा तुरंत प्रभावी कदम उठाए सरकार। लखीमपुर हिरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिमांड हुई खत्म, एसआईटी ने आशीष को भेजा जेल। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने क्राइम सीन को किया रिक्रिएशन, मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को लेकर घटनास्थल पर पहुंची थी एसआईटी। लखीमपुर के तिकुनिया में एसआईटी टीम ने जीप को पुतलों से मारी टक्कर, गाड़ी की स्पीड और सिचुएशन को समझने की कोशिश। लखीमपुर में आशीष मिश्र के गांव बनवीरपुर में भी पहुंची एसआईटी टीम, दंगल प्रतियोगिता में आशीष मिश्र की मौजूदगी के बारे में जानकारी। यूपी के बरेली में ट्रेवल एजेंसी के दफ्तर में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला आया सामने, कार और बाइक के टकराने के बाद हुआ था विवाद। यूपी के आजमगढ़ में रामलीला में अश्लील डांस को रोकना पड़ा दारोगा को भारी, भड़की टीम तो भड़की भीड़ ने दारोगा की भागकर बचाई जान। यूपी के संभल में पुलिस ने बीजेपी में फर्जी प्रदेश महामंत्री को किया गिरफ्तार, एसपी कार्यालय में सिफारिश लेकर पहुंचा था फर्जी नेता। यूपी के हरदोई में चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान के बेटे ने युवक की पिटाई की, मुकदमा दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में डाला बड़ा हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर बंद नहीं था फाटक, फुल स्पीड पर गुजरी थी ट्रेन। ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत नहीं, 20 अक्टूबर तक रहना होगा जेल में, मुंबई सेशंस कोर्ट में फैसला रखा गया सुरक्षित। एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन की जमानत का किया विरोध, कहा आर्यन और अरबाज लेने वाले थे ड्रग्स, पहले भी कई बार ड्रग्स ले चुके हैं आर्यन। ड्रग्स केस में एनसीबी की दलील, ठोस सबूत के आधार पर गिरफ्तारी की गई, आर्यन अरबाज के व्हाट्सएप चैट की होनी चाहिए जांच। जेल में आर्यन खान की नई पहचान, कैदी नंबर N956, मनी ऑर्डर से मिले 4,500 रुपए। आर्यन को जेल में सुबह 6 बजे उठना होगा, 7 बजे दिया जाएगा नाश्ता, दिन में 1 घंटे देख सकेंगे टीवी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की बढ़ाई गई सुरक्षा, वाय श्रेणी से बढ़ाकर वाय प्लस की गई सिक्योरिटी। समीर वानखेड़े को समन भेजेगी मुंबई पुलिस, जासूसी मामले में जल्द होगी गिरफ्तारी, वानखेड़े ने पुलिस वालों पर लगाया जासूसी का आरोप। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बढ़ाई गई सुरक्षा, वानखेड़े की सुरक्षा में तैनात होंगे 7 पुलिसकर्मी। बेतिया में एक मजदूर की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। समस्तीपुर के ताजपुर के चाक सिकंदर पंचायत में बदमाशों ने की फायरिंग, फायरिंग में स्थानीय वार्ड संख्या 1 के रहने वाले मोहम्मद इरशीद को बाल बाल बच गए, पुलिस मामले की जांच में लगी। जमशेदपुर के आजाद नगर में चोरों ने एक घर के से लाखों रुपए के गहने पर हाथ साफ कर लिया, इसके अलावा चोरों ने घर से महंगे कपड़े और अन्य सामान की भी चोरी कर ली। बेतिया में बदमाशों ने चाय दुकानदार पर चाकू से किया हमला, हालात गंभीर, नगर थाना क्षेत्र के दुर्गाबाग मंदिर के पास हुई वारदात। मुजफ्फरपुर में एक बैंक से चोरी की कोशिश, पूरी वारदात कैमरे में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर में भभुआ शहर में सब्जी मंडी में 3 लोगों ने बाइक सवार को चाकू से मारकर किया घायल, पीड़ित की बाइक से एक युवक की टक्कर लगने के बाद हुआ था विवाद। गया में वायरल वीडियो के मामले में एसएसपी ने दिया कार्रवाई का निर्देश, मारपीट कर रहे सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात, वोट नहीं देने पर मुखिया कर रहा था ग्रामीणों के साथ मारपीट। समस्तीपुर में फायरिंग करके भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर पिटाई की, पुलिस के किया हवाले। मोतिहारी में संग्रामपुर में स्टेट हाईवे 74 से गुजर रहा ट्रक एक घर में जा घुसा, हादसे में घर में सो रहे 2 लोगों की मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल।
पटना के दीघा थाना क्षेत्र में पानी भरे गड्ढे में दो साल के बाद बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिवार के सदस्य मामले में नगर निगम पर लगा रहे लापरवाही का आरोप। दरभंगा के कंकाली मंदिर में पुजारी की गोली मारकर हत्या। चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। एक बदमाश को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। दो डीएमसीएच में भर्ती। एक अपराधी मौके से फरार। बेतिया में जमीन विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प। दो लोगों के चाकू से मारकर हत्या। पांच लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालु मां दुर्गा की कर रहे पूजा। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। किशनगंज में दुर्गा पूजा के मौके पर आदिवासी समाज के युवा वर्ग ने बांधा समा। चाक चौराहों पर किया गया दासायन व्रत। मंत्रमुग्ध हुए लोग। शेखपुरा में महेश्वरी मंदिर में निभाई जाती अनोखी परंपरा। समाज में भाईचारे का दिया जाता है संदेश। जहानाबाद में दुर्गा पूजा को लेकर बनाए गए खूबसूरत पंडाल। श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। देश में तेजी के साथ हो रहा वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 97 करोड़ लोगों को अधिक लग चुका है वैक्सीन। 10th और 12th कक्षा के पहले पार्ट की डेटशीट 18 अक्टूबर को आएगी। नवंबर दिसंबर में होंगी परीक्षाएं। महाराष्ट्र सरकार ने विधायकों को डेवलपमेंट फंड बढ़ाया। 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की विकास नीति। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बनी। सितंबर में थोक महंगाई 10.66% रही। पेट्रोल डीजल और गैस के दाम सबसे ज्यादा बढ़े। सब्जियों के दाम में आई तेज गिरावट। LIC और BPCL समेत कई कंपनियों ने हिस्से में बेचेगी सरकार। 1,57,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। फेस्टिवल सीजन में सोने चांदी की चमक। सोना 48,000 रुपए के करीब पहुंचा। चांदी भी 62,693 रुपए पहुंची। सरकार 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। आज IPL का फाइनल मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खिताबी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा IPL का फाइनल मुकाबला। मैच के लिए CSK और KKR के फैंस में हाई जोश। IPL में KKR की टीम अपना तीसरा फाइनल मैच खेलेगी। CSK की टीम 9वीं बार फाइनल खेलेगी। राहुल द्रविड़ फिर होंगे टीम इंडिया के कोच। न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान मिलेगी जिम्मेदारी। कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया टेरेंस का डांस। रवि दुबे का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में रवि और सरगुन एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते हुए आए नजर। नेहा कक्कड़ ने दुबई में अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो किया शेयर। दुबई में नेहा की सुरीली आवाज ने सुनने उमड़ी लोगों की भीड़। भारत की बड़ी उपलब्धि। 6वीं बार UNHRC का सदस्य बना। भारी बहुमत से मिली जीत के लिए दुनिया को दिया धन्यवाद। आज से शुरू होगा अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास। 15 दिनों तक चलेगा सैन्य अभ्यास। अमेरिका के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज से पहले भारतीय सेना ने किया वीडियो जारी। अलास्का में मौजूद है मद्रास रेजिमेंट के जवान। बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ के बाद भड़की हिंसा। हिंदुओं के घर दुकान को बनाया निशाना। 4 लोगों की मौत की खबर। बांग्लादेश के दुर्गा पंडालों में हमले के पीछे जमात ए इस्लाम का हाथ होने की आशंका। अब तक 43 दंगाइयों को किया गया गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा हम बांग्लादेश सरकार से संपर्क में। बांग्लादेश ने फौरन उठाए कदम। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने वाली फ्लाइट रद्द की। तालिबान पर दखलंदाजी का आरोप। अफगानिस्तान के हालात से चिंतित पुतिन ने कहा सीरिया और इराक से आ रहे आतंकी।